घर में बंद रहो, नहीं तो पड़ेंगे पुलिस के डंडे, मामला होगा दर्ज और जाओगे जेल। पूरे देश के साथ रामगढ़ में कोरोना वायरस को हराने के लिए 14 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी है, लेकिन रामगढ़ में कुछ लोग बहाना बनाकर सड़क पर घूमने का काम कर रहे हैं। उन्हें सबक सिखाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने पूरे दल बल के साथ 2 दिनों से पूरे शहर में फ्लैग मार्च करने का काम कर रही है। उन्होंने लोगों को साफ संकेत दिया है कि अगर लोग बेवजह घर से बाहर निकलेंगे तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रामगढ़ जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर गुरुवार की दोपहर 12 बजे जिले के उपायुक्त संदीप सिंह व पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार अपने पूरे दलबल के साथ रामगढ़ शहर में फ्लैग मार्च पर निकले। उन्होंने पटेल चौक, टायर मोड़, बिजुलिया, सुभाष चौक, थाना चौक सहित विभिन्न प्रमुख स्थानों पर लोगों को लॉकडाउन के मायने बताए। बेवजह सड़क पर घूम रहे बाइक और कार सवारों को उन्होंने सख्ती से समझाया। कुछ बाइकर्स तो ऐसे भी थे जो पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश कर रहे थे, उन पर पुलिस के डंडे भी बरसे। इस मौके पर जिला उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस जैसी महामारी को लेकर 14 अप्रैल तक पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, लेकिन लोग इस महामारी को लेकर जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। झारखंड में भी कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए लोगों को अपने घरों में ही रहना चाहिए। पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है, इसलिए लोग अगर घर से बेवजह बाहर निकलते हैं तो उन पर सख्ती की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि किसी भी कीमत पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लॉकडाउन का लोगों को सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस शहर के विभिन्न चौक चौराहों के अलावे शहर के गली मोहल्लों में लगातार घूम रही है और लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने को लेकर फ्लैग मार्च कर रही है। वहीं एसपी ने बताया कि गली मोहल्ले में लोग बेवजह घर से बाहर निकलकर मजमा लगाकर बैठ जाते हैं। फ्लैग मार्च में एसडीपीओ अनुज उराव, सार्जेंट मेजर मनसुख गोप, रामगढ़ थाना प्रभारी विद्याशंकर, यातायात थाना प्रभारी राजेश कुमार, पेट्रोलिंग टीम और पैंथर की टीम शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो भी घर से बेवजह बाहर निकलेंगे, वो बाइकर्स हो, फोर व्हीलर या फिर सड़क पर ऐसे घूमने वाले व्यक्ति पे कार्रवाई की जाएगी और वो सीधे जेल भेजे जाएंगे। नहीं, हमारा सबका ही नुकसान। प्रशासन भी बहुत फोर्सफुली लॉकडाउन वायलेशन का जो भी केस है तुरंत हम लोग FIR दर्ज कर रहे हैं, तुरंत गाड़ियां सीज कर रहे हैं। और जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि ऑन एवरेज डेली पूरे जिले में सभी थानों को मिला के 15-20 गाड़ियां पकड़ी भी जा रही हैं, लोगों पे FIR भी हो रही है। इसकी नौबत नहीं है प्रशासन की तरफ से, हम भी नहीं चाहते कि इसकी नौबत आए। कमोबेश बाकी सब जगहों पर, और जैसे मैंने शुरू में कहा कि 95% से अधिक लोग हैं जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घर से एक आदमी निकल रहा है, मास्क लगा के निकल रहा है, तो ये प्रशासन और पुलिस की तरफ हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि सभी लोग इसका पालन करें। न्यूजलैंड चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है